तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे। तो इस आज का वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला, बल्कि आज के वीडियो में मैं आपको ब्लूस्टैक 5 के बेस्ट सेटिंग दिखाने वाला हूँ लो एंड हाई एंड डिवाइस के लिए। तो गाइस, जो सेटिंग मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर इस सेटिंग को यूज करते गाइस, तो गाइस आप 19 FPS में कम से कम लैग में गेम का पूरा मजे ले सकते हैं। गाइस ये सेटिंग मैं खुद यूज करता हूँ और गाइस मैं इस सेटिंग के साथ लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ यूट्यूब पे। तो गाइस मेरा गेम एकदम मक्खन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसी सेटिंग के साथ। सो इस सेटिंग को गाइस अगर आप यूज करते तो गाइस आपका भी गेम भी मक्खन जैसे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए बहुत ही ज्यादा करीब है। बस कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए। तो गाइस अभी तक अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए गाइस। और गाइस 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम एक रॉयल पास का गिवअवे भी करने वाले हैं। तो गाइस उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा कि आपको रॉयल पास गिवअवे में कैसे ज्वाइन करना है। सो गाइस अभी ज्यादा टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले जो चीज आपको करना है, सबसे पहले आपको ब्लूस्टैक को ओपन कर लेना है। ब्लूस्टैक को ओपन करने के बाद आपको ब्लूस्टैक पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले जो है परफॉर्मेंस में जाके जो कोरेज आपको 4 कोर सिलेक्ट करना है। चार कोर से ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे अगर आपका 4 कोर वाला प्रोसेसर है तो 4 कोर सिलेक्ट कीजिए, 6 कोर वाला प्रोसेसर है तो 4 कोर सिलेक्ट कीजिए, 8 कोर वाला भी 4 कोर सिलेक्ट कीजिए, 4 कोर से ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद मेमोरी पे जाकर आपको 4 GB सिलेक्ट करना है, इसको भी आप 4 GB से ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद परफॉर्मेंस मोड में जाके हाई परफॉर्मेंस को सेव कर दीजिए। उसके बाद जो है फ्रेम रेट में 240 फुल कर दीजिए। उसके बाद जो है इनेबल हाई फ्रेम रेट को आप जो इनेबल कर दीजिए और इनेबल विसिंग को आप डिसेबल कर दीजिए और डिस्प्ले FPS जीवडिंग गेम पे इसको इनेबल करके सेव चेंज कर दीजिए। सेव चेंज करने के बाद ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट लेगा, आपको रिस्टार्ट होने देना है। उसके बाद आपको जाना है डिस्प्ले पे जाकर आपको लैंडस्केप करना है। रेजोल्यूशन आप चाहे जो मर्जी रख सकते हैं, मेरे को 1080p पसंद है, चलिए मैंने 1080p रखा। आप चाहे तो 720 720p या पर कुछ भी कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको चाहे DPI भी आपको जो मर्जी रखिए, 160 240 320 कुछ भी रख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे हाई DPI में खेलना पसंद है, इसीलिए मैंने 480 DPI रखा है कस्टम करके। तो आप भी कुछ भी रख सकते हो। तो गाइस उसके बाद आपको सेव चेंज करके इसको फिर से रिस्टार्ट होने देना है। उसके बाद आपको चाहिए ग्राफिक्स में जाइए। ग्राफिक्स में जाके सबसे जो गाइस ये वाला चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इस सेटिंग आप देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले ग्राफिक्स इंजन मोड में जाके आपको जो है परफॉर्मेंस में जाके सेव करना है। उसके बाद जो ग्राफिक्स रेंडरर में आपको ओपन जीएल करना है, डायरेक्ट एक्स नहीं करना, ओपन जीएल करना है। उसके बाद ओपन जीएल करने के बाद इंटरफेयर को आपको ऑटो में कर दीजिए, कुछ क्षेत्र मत की ऑटो में रख दीजिए। उसके बाद ASTC इसको आप डिसेबल कर दीजिए और उस GPU इन यूज को कैसे आप इनेबल करके सेव चेंज कर दीजिए। सेव चेंज करने के बाद फिर से रिस्टार्ट होगा तो रिस्टार्ट करने दीजिए। उसके बाद ऑडियो में कुछ चेचर मत कीजिए, इन सब चीज़ में कुछ चेचर मत कर, डायरेक्ट चले जाए डिवाइस में जाकर गाइस आपको जो करना है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा करना है, ROG2 नहीं करना है, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा करना है। और नेटवर्क पे चाहे आप जो भी रख दीजिए, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जियो वोडाफोन एयरटेल, मैं तो वाईफाई में खेलता हूँ फिर भी जियो पे करके रखा हूँ। उसके बाद सेव चेंज करके ब्लूस्टैक को क्लोज कर दीजिए। तो गाइस उसके बाद जो चीज आपको करना है गाइस, आपको NVIDIA कंट्रोल पैनल को ऑन कर लेना है। तो NVIDIA कंट्रोल पैनल को ऑन करने के बाद आपको जाना है मैनेज 3D सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम सेटिंग में, प्रोग्राम सेटिंग पर आप क्लिक कर लीजिए। तो इधर पर आपको एक ऐड का ऑप्शन देखा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ऐड का ऑप्शन देखने के बाद आपको इधर पर जो ब्लूस्टैक जो है ना, ब्लूस्टैक प्लेयर को आपको इधर पे क्लिक करके इधर पे ऐड करना है। मेरा ऑलरेडी ऐड है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा, तो आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद जो सेटिंग में आपको दिखाने वाला वही सेटिंग आपको करना है। इधर आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद एंटी अलियासिंग को आपको कर देना है ऑफ, लो लिटरेसी मोड को आपको अल्ट्रा कर देना है, मैक्स फ्रेम रेट को आपको ऑफ कर देना है, मल्टी फ्रेम सिंपल AA को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद ओपन जीएल रेंडरिंग GPU इसको आप जो है आपका जो मेरा NVIDIA GeForce RTX 2060 चीज है, इसलिए मैंने इसको कहा है, आपका जो भी ग्राफिक कार्ड होगा उसका नाम दिखाएगा आपको, तो आपको कर लेना है। आपको पावर मैनेजमेंट मोड को आपको जो है परफेक्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर लेना है। तो गाइस जो सेटिंग है इधर पे वही सेटिंग आपको कर लेना है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। जो सेटिंग आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि जो सेटिंग मैंने किया है, आप वीडियो को पॉज करके देख कर सेव कर लेना।
तो यही सेटिंग आपको करना है, जो जो सेटिंग मैंने किया है। ये सेटिंग अप्लाई करने के बाद इधर आपको राइट साइड पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाएगा, अप्लाई करके ओके कर देना है। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है इसलिए मेरे को नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको सो होगा। अप्लाई करके सेव कर दीजिएगा, उसके बाद इसको बंद कर दीजिएगा। और गाइस सबसे आखिरी में जो चीज़ आपको करना है, गाइस आपको यहाँ पर सर्च बार में जाकर सर्च कर देना है ग्राफिक सेटिंग GRAPH। जैसे कि आप जैसे ग्राफिक सेटिंग आ गया, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको जो करना है, आपको ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाके आपको यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, फिर आपको ब्लू स्टैक दिखाएगा, जो भी दिखाए आपको इसको सिलेक्ट करके आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको जाना है इसके ऑप्शन में, ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस में जाके सेव कर लेना है। हाई परफॉर्मेंस सेव करने के बाद आपको सेव कर दीजिए, उसके बाद आप इसको बंद करके एक बार पीसी को रिस्टार्ट कर लीजिए। तो गाइस यही कुछ सेटिंग था जिसका इस्तेमाल करके आप 19 FPS में विदाउट लैग में गेमिंग का पूरा मजा उठाकर साथ खेल सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ हेल्प होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत ही ज़्यादा करीब है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गाइस आपका फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर आपको ब्लूस्टैक के बारे में कुछ पूछना है मुझसे, तो गाइस मैं इस चैनल पे हर दिन 2 लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप लाइव स्ट्रीम में टाइम आके मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका हेल्प करने की। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।